नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आप सभी को इस वीडियो बताने जा रहा हूं, प्यार ठुकराने वाला आपके कदमों में गिरेगा। एक अंडा काट करके यहां रख दो। अगर आप एक अंडा को काट करके यहां रख देते हैं तो प्यार ठुकराने वाला आपके कदमों में आकर के गिरेगा। आपका प्यार करने वाला जो है आपके कदमों में आकर के गिरेगा। अगर जिस स्त्री या जिस पुरुष को आप चाहते हैं, उन्होंने अगर आपका प्यार को ठुकरा दिया है, आप अगर उससे प्यार करते हैं लेकिन आपको वो प्यार नहीं करती है, तो एक अंडा जो है यहां पर काट करके रख दो। वो निश्चित तौर से वो स्त्री हो या पुरुष हो, आपका प्यार में पूरी तरह से तड़पने लगेगी, आपका प्यार में बसीभूत हो जाएगी, आपके प्यार के बिना नहीं रह पाएगी। ये बहुत ही शक्तिशाली एक अचूक अनमोल उपाय मैं बताने जा रहा हूं। इस उपाय के जरिए से आप हजारों लाखों किसी को भी, जिसको भी आप चाहे, उसको भी आप अपने बसीभूत कर सकते हैं अपने प्यार में। और उसे अगर आपको प्यार अगर ठुकरा देता है तो उस प्यार को आप पल भर में आप पा सकते हैं इसके जरिए से। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को कब करना है, किस समय करना है, अंडा को कहां पर काट करके रखना है, यह मैं सारे प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर जय माँ कामाख्या जरूर लिखिए, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, आज जो मैं वशीकरण करने का जो उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय प्रेम को अगर आप पाना चाहते हैं, प्यार को अगर आप पाना चाहते हैं, तो इस क्रिया को आप जरूर करिए। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, किसी स्त्री को प्यार करते हैं, किसी पुरुष को प्यार करते हैं, और उन्होंने अगर आपको प्यार को ठुकरा देता है, तो आपके मन के अंदर में अगर आपको किसी भी तरह सा जो है आपको पूरी तरह से अपने आप को आत्मग्लानि महसूस होती है। अगर आपको प्रेस्टीज इशू अगर आप बना लिए है, प्रतिष्ठा अगर आपको सम्मान में आपको ठेस पहुंचा है, तो आप इस क्रिया को अवश्य कीजिए। आपका प्यार ठुकराने वाला 24 घंटा के अंदर में आपके कदमों में आकर के गिरेगा और पूरी तरह से जीवन भर आपका गुलामी करेगा। ये ऐसी शक्तिशाली उपाय है। तो इसको कब करना है, किस समय करना है, मित्रों टोटके को करने से पहले अपने अंदर में एक विश्वास को जरूर रखिए। मन में पवित्रता का बना कर रखना होगा, मन को एकाग्रचित करके और दृढ़ विश्वास के साथ रहिए कि ये जो टोटके मैं कर रहा हूं, इसमें पूरी तरह से मुझे सफलता मिलेगी और मैं सामने वाला को प्रभावित कर सकता हूं, प्यार ठुकराने वाले को अपने कदमों में गिरा सकता हूं। ये कल्पना करते हुए आपको इस क्रिया को करना है, नंबर वन। नंबर टू, ये टोटके को जो मैं बताना है, इस टोटके को किसी को बताना नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना है। जो अगर मेरे वीडियो देखकर कोई करे अलग बात है, लेकिन आपको अपने मन से चाहे अपने से किसी को भी इस टोटके का बारे में बताना नहीं है। मन मन में रख के इस टोटके को अगर आप करते हैं तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। अब सवाल आता है, इस क्रिया को करना किस दिन है? तो इस क्रिया को करने के लिए आपको एक बढ़िया सा दिन आप सेलेक्ट करिएगा। इस क्रिया को करने के लिए शनिवार को भी आप कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, और आप जो अमावस की रात को भी इस क्रिया को कर सकते हैं, या नहीं तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन में आप कोई क्रिया को कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक ठो किसी भी देसी मुर्गी का अंडा आपको खरीद करके लाना है। देसी मुर्गी का अंडा को ला करके दोनों तरफ से उस प्यार का नाम लिख रहा है जिसको आप प्यार करते हैं, जो प्यार आपको ठुकरा दिया है उसका नाम जो है दोनों तरफ से आपको लिख लेना है, और काला रंग का मार्कर कलम से लिखना है। लिख करके घर में किसी ऐसा जगह में आपको छुपा कर रखना है जैसे कोई देखे नहीं, 24 घंटा तक बस उसको अपने घर में रख लेना है किसी एकांत जगह में। उसके बाद एक दिन पहले इस क्रिया को कीजिएगा, और जिस दिन इस क्रिया को करना है शनिवार या अमावस के दिन, उस दिन रात को समय में 10 बजे के बाद निडर होकर के बिना डर हुए उस अंडा को लेकर जाना है, और एक चाकू लेकर जाना है। कहां जाना है, जहां पर भी नदी हो
तालाब हो या समुन्दर हो, जहां भी घाट बनाया हुआ हो, उस घाट पर जा करके आप उसको जो है नींबू को वो अंडा को जो है आप चाकू से जो है उस जिसमें नाम लिख करके थे उसको अंडा को वहां पर काट करके छोड़ दीजिए, बस इतना करके छोड़ दीजिए। अब पीछे मुड़ के मत देखिए, तुरंत वहां से चले आए वापस। उसके बाद देखिए 24 घंटे के अंदर में ठुकराने वाला प्यार जो है आपके कदमों में आकर गिरेगी, वो बेचैन हो जाएगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय, इसे आप जरूर आजमाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रा।